हेलो स्टूडेंट्स एज यूजल आई एम नवनील गॉड फ्रॉम टैगोर स्कूल पर्वतसर सर एंड वी आर स्टडिंग हियर द सोशल साइंस बुक ऑफ क्लास सिक्स एंड इट इज़ द फर्स्ट लेसन ऑफ सोशल साइंस बुक वी हैव स्टडीड द लेसन द प्रीवियस पार्ट ऑफ लेसन इन टू प्रीवियस वीडियोज हम लोग टू तो वीडियोज में पहले भी इसी लेसन का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं सो आई वॉन्ट टू सजेस्ट द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ यू शुड वॉच द प्रीवियस वीडियो फर्स्ट एंड देन यू शुड वॉच दिस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द लेसन मैं कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स से जिन्होंने इस लेसन से रिलेटेड टू वीडियोज जो मैंने पोस्ट किए हैं वो नहीं देखे हैं कृपया पहले जा कर के आप उन दो वीडियोज़ को पहले देखें जो इस लेसन के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही पोस्टेड किए हैं और उसके बाद ये आप थर्ड वीडियो इसको देखें ताकि आप पूरे लेसन को समझ सकें तो हम शुरू करते हैं अस स्टार्ट द थर्ड वीडियो द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेसन विच इज आवर uh, पास्ट हमारे अतीत के बारे में जो हम ये इस लेसन में पढ़ रहे हैं एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन ए हार्ड सरफेस क्या आप सोच सकते हैं क्या एडवांटेज रहता होगा एक हार्ड सरफेस पर लिखने के कारण से तो हमने अभी पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि जो भी किंग्स होते थे जो राजा होते थे वो अपनी विक्ट्रीज़ को यानी अपनी विजय जो हासिल करते थे उनको इंस्क्रिप इंस्क्राइब्स की सहायता से आ, वो खुदवाते थे कुछ पत्थरों पर या कुछ मेटलों मेटल्स पर हार्ड सरफेस पर वो इनको इंस्क्राइब करवाते थे खुदवाते थे अपनी विक्ट्रीज़ को या अपने ऑर्डर्स को भी वो इसी तरह से हार्ड जो सरफेस होती थी कठोर जो हार्ड सरफेस यानी कठोर जो सतह होती थी मेटल की हो चाहे स्टोन की हो उस पर वो उनको इंस्क्राइब करवाते थे खुदवाते थे तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब करने का क्या एडवांटेज रहता होगा एडवांटेज मींस फ़ायदा क्या रहता होगा सो वी कैन से इन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट द इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन ऑन द हार्ड सरफेसेज मे बी रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम ये हम इसके आंसर में लिख सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन जो होता है हार्ड सरफेस पर वो रह सकता है uh, एक लंबे समय के लिए सो दिस में भी द एडवांटेज ऑफ द इंस्क्रिप्शन ऑन हार्ड सरफेस जो ये एडवांटेज है हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब करने का उस पर खोदने का उस पर राइट करने का कि वो एक लंबे समय तक रहता है एंड वॉट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज और क्या डिफिकल्टीज रहती होगी वी कैन से इन द फॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इन दैट टाइम इन दैट पास्ट टाइम देर वर नॉट अवेलेबल द अपडेटेड टूल्स एंड एडवांस टूल फॉर इंस्क्राइब एनी थिंग ऑन हार्ड सरफेसेज उस जमाने में बहुत सारे एडवांस टूल नहीं होते थे हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब करने के लिए सो इट मे बी इट शुड इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू इंस्क्राइब ऑन द हार्ड सरफेस इन दैट टाइम इसलिए ये बहुत कठिन होता होगा हार्ड सरफेस पर इंस्क्राइब करना उस टाइम में वी कैन राइट दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन and let us go forward there were many other things that were made and used in the past there were many other things dusri Chinyati and used uh, that were made jobanai and used or in the past पास्ट में यानि इतिहास में अतीत में बहुत सारी ऐसी दूसरी कई चीज़ें थीं जो बनाई जाती थी और जिनका यूज किया जाता था दोज स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स वे जो कि इन ऑब्जेक्ट्स यानी इन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो इन ऐतिहासिक चीज़ों की जो पुराने समय में बनाई जाती थी और उनको यूज़ किया जाता था ऐसी चीज़ों की जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है जो लोग पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं पहले के टाइम में इन द पास्ट विच विच ऑब्जेक्ट्स वर यूज बाय द पीपल एट दैट टाइम उस समय के लोगों के उस समय के लोगों के द्वारा किस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता था इस बारे में जो स्टडी करने वाले लोग होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं जिसको हिंदी में हम पुरातत्व विज्ञानी भी कह सकते हैं दे uh, स्टडी वे स्टडी करते हैं द रीमेंस अवशेषों का ऑफ uh, बिल्डिंग्स uh, इमारतों की जो बिल्डिंग्स होती थी पुरानी उनके रीमेंस यानी उनके अवशेष जो अवशेष अब बचे हैं रीमेंस जो अब बचे हैं उनकी वो स्टडी करते हैं मेड ऑफ़ स्टोन एंड ब्रिक जो कि बने होते हैं बने होते थे स्टोन यानी पत्थरों से और ब्रिक यानी ईंटों से जो पुरानी बिल्डिंग्स बनी होती थी उनकी वो स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट पेंटिंग्स पेंटिंग्स की स्टडी करते हैं एंड स्कल्पचर और मूर्तियों मु, स्कल्पचर मीन्स मूर्तियाँ तो मूर्तियों की भी वो स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों की स्टडी करके वो अपना एनालिसिस करते हैं और वो लोग आर्क्योलॉजिस्ट कहलाते हैं दे ऑल्सो एक्सप्लोर वे ढूंढते भी हैं एंड एक्सकेवेट एक्सकेवेट यानी खुदाई करना जमीन की यहां पर ब्रैकेट में इसको एक्सप्लेन भी किया गया है डिग यानी खोदना अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ धरती के सरफेस यानी सतह के नीचे से कुछ खोदना इसको एक्सकेवेट करना कहते हैं तो वो जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दे आल्सो एक्सप्लोर वे ढूंढते भी हैं एंड एक्सकेवेट और खोदते भी हैं ज़मीन के नीचे से टू फाइंड टूल्स ढूंढने के लिए क्या ढूंढने के लिए वो ज़मीन को खोदते हैं और वो खोजते हैं तो वो ढूंढना चाहते हैं टूल्स यानी औजार वेपन्स यानी हथियार पॉट्स यानी बर्तन पेंस यानी पॉट्स यानी घड़े पेन्स यानी बर्तन ऑर्नामेंट्स यानी गहने एंड कॉइंस और सिक्के ये सब चीज़ें वो खोजना चाहते हैं इसके लिए वो एक्सकेवेशन भी करते हैं ज़मीन भी खोदते हैं और अपने ढूंढते भी हैं चारों इधर उधर जहां उनको संभावनाएं लगती है सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ़ स्टोन इनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अभी हमने नाम पढ़े हैं टूल्स हैं यानी औजार हैं वेपन्स यानी हथियार हैं पॉट्स यानी घड़े हैं पेंस यानी बर्तन हैं ऑर्नामेंट्स यानी गहने हैं और सिक्के हैं कॉइंस ये जो इनमें से कुछ चीज़ें मे बी मेड ऑफ स्टोन वो बनी हो सकती हैं स्टोन की इनमें से कई चीज़ें पत्थर की बनी हो सकती है अदर्स ऑफ बोन और बाकी की हड्डियों की भी बनी हो सकती है बेक्ड क्ले पकी हुई मिट्टी की भी बनी हो सकती है पकी मिट्टी की और मेटल या मेटल यानी धातु की भी हो सकती है तो इन इन ये जो मटेरियल यहाँ बताए गए हैं स्टोन है बोन है यहाँ पर बैक्ड के क्ले है और मेटल ये जो मटेरियल है इनसे बने हो सकती है ये सब चीजें ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑब्जेक्ट्स मीन्स वस्तुएं दैट आर मेड जो कि बनी होती है ऑफ हार्ड यानी कठोर इन इम्पेरिशिबल यानी जो खराब नहीं होती है इम्पेरिशिबल यानी जो खराब नहीं होने वाली चीज होती है उसको इमपेरिशिबल कहते हैं तो ऑब्जेक्ट्स देट आर मेड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट्स जो बने होते हैं हार्ड यानी कठोर इम्पेरिशियबल यानी खराब नहीं होने वाली सब्सटेंसेज यानी पदार्थों से यूजुअली सरवाइव वो टिके रहते हैं वो जीवित रहते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए तो हम जानते हैं कि जो भी हार्ड मटेरियल होगा जो इम्पेरिशियबल होगा जो खराब नहीं होने वाला सब्सटेंस होगा पदार्थ होगा तो वो एक लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है जीवित रह सकता है या उपस्थित रह सकता है हियर हियर आर सम पिक्चर्स फॉर रिलेटेड टू दीज फैक्ट्स इन फैक्ट्स के से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स यहाँ दिए गए हैं लेट्स नो अबाउट दैम आइए उनके बारे में जाने लेफ्ट uh, में यहाँ पर हियर इट इज रिटर्न द इन द लेफ्ट ए पॉट फ्राम एन ओल्ड सिटी यहाँ पर एक पॉट आपको दिख रहा होगा एक घड़ा आपको दिख रहा होगा घड़ा है ये पॉट्स लाइक दीज इस तरह के पॉट वर यूज अबाउट फोर हंड्रेड फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड ईयरस है गो इस तरह के पॉट्स यानी इस तरह के घड़े चार हजार सात सौ वर्ष पहले उपयोग किए जा इससे पहले भी उपयोग किए जाते थे आज भी इन घड़ों का इस जैसे घड़ों का उपयोग होता है और आज से चार हजार सात सौ वर्ष पहले भी इस तरह के घड़े इस तरह के पॉट्स यूज़ किए जाते थे तो आप सोचिए कि उस समय भी कई चीज़ें ऐसी थी जो आज तक वो उसी लेवल पर यूज़ की जा रही है तो ये कितना कितनी अद्भुत बात है कि 4700 फोर थाउजेंड फोर सेवन हंड्रेड ईयर्स एगो भी लोग इस तरह की चीज़ें बना पाते थे तो यहाँ पर ये एक ओल्ड पोर्ट यहाँ पर शो किया गया है और राइट right में यू यू कैन सी इन द राइट देर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ़ मेटल यहाँ पर मेटल के कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे ये धातु से बने हुए कुछ आपको कुछ स्ट्रक्चर कुछ शेप्स इन पर बनी हुई दिख रही होगी आपको ये मेटल के बने हुए हैं दोनों वोट वॉट आर दीज ये क्या हैं लेटस्ट नो आइए देखते हैं राइट right में क्या है एंड ओल्ड सिल्वर कॉइन ये एक पुराना सिल्वर यानी चांदी का सिक्का है कोइंस सच एज इस तरह के कॉइन एज सच एज दिस इस तरह के कॉइन वन दिस वन इस तरह के कॉइन यू वर इन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो इस तरह के जो कॉइन थे वो यूज में आ, यूज आ, आ, रह, आ रहे थे लगभग टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो लगभग दो हजार पाँच सौ वर्ष पहले इस तरह के इन इस तरह के कुछ कोइंस यूज किए जाते थे uh, तो ये भी एक अद्भुत बात है कि टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स एगो लोग कॉइन बनाना जानते थे लोग मेटल का यूज करना जानते थे इन वेज इज़ द कोइन डिफरेंट फ्रॉम वंस वी यूज टूडे इन वॉट वेज किस तरह से इज़ द कोइन डिफरेंट ये कॉइंस डिफरेंट हैं अलग हैं फ्रॉम द वंस उन से वी यूज टूडे जो हम आज यूज कर रहे हैं उन कोइंस से ये कैसे डिफरेंट हैं तो यू कैन लुक एट द कोइन एंड फाइंड आउट दिस फैक्ट दिस डिफरेंस आप इनको देख करके बता सकते हैं दैट टूडेज कॉइंस आर इन राउंड राउंड शेप इन ए सर्क्यूलर शेप आजकल के जो कॉइन होते हैं वो सर्कुलर शेप में होते हैं गोलाकार आकृति में होते हैं एंड दीज द ओल्ड कॉइंस आर ऑफ ए रेक्टेंगुलर शेप यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है आयताकार आकृति में है एंड द फिनिशिंग इज नॉट बेटर ऑफ द ओल्ड कोइंस ओल्ड कोइंस की जो फिनिशिंग है जो चमक है वो बहुत बेटर बहुत बेस्ट नहीं है इन द अदर हैंड टूडेज कोइन आर वेरी फिनिश्ड ऑल. अभी के जो कोइंस होते हैं वो बड़े फिनिश्ड होते हैं वो बड़े चमकीले होते हैं और उनकी दे हैव द ए बेटर टेक्नोलॉजी फॉर्म दैम उनको बनाने के लिए बेटर टेक्नोलॉजी यूज होती है आज के कोइंस के लिए तो यहां पर इसका ये हम आंसर दे सकते हैं लेटस गो फर्दर आगे चलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं तो हमने पढ़ा कि जो और जो ये पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं जो ओल्ड चीज़ों की स्टडी करते हैं जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है या वो सर्च करते हैं कोइंस वगैरह ढूंढते हैं वो स्पेक्टिकुलर जो होते हैं इस्पेक्टुलर होते हैं वो जो मूर्तियाँ होती हैं इन सब चीज़ों की जो पुरानी चीज़ों की स्टडी करने वाले लोग होते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं पुरातत्व विज्ञानी कहलाते हैं तो यहाँ पर फिर से उनके बारे में कुछ लिखा है आर्योलॉजिस्ट आर आल्सो लुक फॉर बोन्स आर्क्योलॉजिस्ट बोन्स को भी ढूंढते हैं उनको भी देखते हैं वो बोन्स यानी हड्डियों को किन की हड्डियों को ऑफ एनिमल्स जानवरों की बर्ड्स यानी पक्षियों की एंड फिश और मछलियों की इनकी हड्डियों को भी वो देखते हैं टू फाइंड आउट ये देखने के लिए ये पता लगाने के लिए वॉट पीपल एट इन द पास्ट कि लोग पुराने जमाने में पास्ट में क्या खाते थे ये देखने के लिए वो इन इन जो एनिमल्स की भी बोन्स की स्टडी करते हैं प्लांट्स रिमेंस जो पौधों के अवशेष हैं सर्वाइव फार मोर रेयरली वो सर, ज़्यादा सर्वाइव बहुत कम कर पाते हैं सर्वाइव यानी जीवित रहना तो यहाँ पौधों के जो रिमेंस होते हैं पौधों के जो अवशेष होते हैं वो फार मोर यानी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव बहुत रेयरली कर पाते हैं रेयरली यानी बहुत कम कर पाते हैं यानी पौधों के जो अवशेष हैं रिमेंस हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं इसलिए वो इनको मिल नहीं पाते हैं इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन ग्रेन मीन्स अनाज के जो बीज होते हैं और पीसे जो फूड या फिर uh, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं हैव बीन बर्न जो जल चुके हैं दे सरवाइव इन ए फ्रॉम फ्राम वो जली हुई अवस्था में मिलते हैं चैर्ड फॉर्म में यानी जली हुई अवस्था में तो ये चीजें भी उनके स्टडी के क्राइटेरिया में होती है डू यू थिंक क्लॉथ इज फ्राउंड फ्रीक्वेंटली क्या आप सोचते हैं क्लॉथ इज फाउंड फ्रिक्वेंटली? बार बार क्लॉथ भी उनको मिलते हैं बाई आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा क्या क्लॉथ यानी कपड़े भी बार बार मिल खोजे जाते हैं या कपड़े भी उनको कभी कभी मिलते हैं या बार बार मिलते हैं आपको क्या लगता है तो क्लॉथ भी कोई बहुत लंबी चलने वाली चीज़ नहीं है तो ये भी बहुत रेयरली टिक पाते होंगे और क्लॉथ का मिलने का भी बहुत कम इसका चांस रहता होगा अस गो फॉरवर्ड जहाँ जैस जिस तरह से हमने अभी एक टाइप के जो लोग होते हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं उनके बारे में पढ़ा इसी तरह एक और टाइप के जो पर्सन हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दीज आर हिस्टोरियंस हिस्ट्री से बना है हिस्टोरियंस यहाँ पर हिस्टोरियन कौन होते हैं दैट इज़ दैट इज़ का मतलब दूसरे शब्दों में हिस्टोरियन क्या है दूसरे शब्दों में स्कॉलर्स यानी वो अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स यानी विद्वान विद्वान हु पास्ट जो पास्ट की स्टडी करते हैं भूतकाल का अध्ययन करते हैं ऑफन यूज द वर्ड सोर्स जो विद्वान होते हैं स्कॉलर होते हैं जो कि पास्ट की स्टडी करते हैं ऑफन यूज द वर्ड सोर्स अधिकांशतः वो सोर्स जो शब्द है उसका यूज़ करते हैं सोर्स यानी क्या क्या होता है स्रोत होता है सोर्स का मतलब होता है स्रोत कहीं से भी जब कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसको सोर्स कहते हैं तो वो जो पास्ट का स्टडी करने वाले जो स्कॉलर यानी विद्वान होते हैं जिनको हिस्टोरियन कहते हैं वो एक शब्द का यूज करते हैं जिसको कहते हैं सोर्स तो सोर्स का वो यूज करते हैं टू रेफर टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट अब वो ये सोर्स किसको बोलते हैं जहाँ से उनको ये सब बातें पता लगती है वही उनका सोर्स है तो वो इसको रेफर करते हैं वो इसको संबंधित करते हैं टू द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम जो सूचनाएँ उनको मिलती है से कहाँ कहाँ से उनको सूचनाएँ मिलती है इन्फॉर्मेशन मिलती है मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट यानी हस्तलिपियों से या पांडुलिपियों से इंस्क्रिप्शंस इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेखों से एंड आर्कियोलॉजी और पुरातत्व विज्ञान से इन सबसे जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिलती है उनको वो सोर्स कहते हैं क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो यही चीज़ें हैं कि भाई पुराना कोई शिलालेख मिल गया शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन मिल गया कोई मैन्यूस्क्रिप्ट कोई पांडुलिपि मिल गई हाथ की लिखी हुई या आर्क्योलॉजी से पता चला, तो ये उनका सोर्स कहलाता है वंस सोर्स आर फाउंड एक बार सोर्स जब मिल जाता है लर्निंग अबाउट द पास्ट तो पास्ट के बारे में जानना बिकम्स एन एडवेंचर तो पास्ट के बारे में जानना बड़ा मज़ेदार या साहसिक काम हो जाता है एक बार जब सोर्स मिल जाता है कि जिससे अपने को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऐसा सोर्स जब कहीं से मिल जाता है तो पास्ट के बारे में जानना बड़ा एडवेंचर हो जाता है बड़ा आनंददायक और साहसिक कार्य हो जाता है एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट जैसे जैसे हम इसको टुकड़े दर टुकड़े बिट बाय बिट यानी जैसे जैसे हम इसके नॉलेज को टुकड़े दर टुकड़े बिट बाय बिट इसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वापस जब हम इसको जोड़ते हैं कोई चीज़ को टुकड़े टुकड़े होके मिलती है कई चीज़ें तो उसको जब रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं बिट बाई बिट टुकड़े दर टुकड़े उसको रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो और तो पास्ट के बारे में जानना एक तरह का एडवेंचर हो जाता है एक साहसिक कार्य हो जाता है जिसमें उसमें उन, उनको आनंद भी आता है सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिडेक्टिवस इसलिए हिस्टोरियन जो लोग होते हैं ये और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं आर लाइक डिडेक्टिवस वो जासूस की तरह होते हैं डिडेक्टिव से यानी जासूसों की तरह वो होते हैं हु यूज़ ऑल दीज सोर्सेज जो इन जो इन सभी सोर्सेज का यूज़ करते हैं लाइक क्लूज क्लूज़ के रूप में जैसे जासूस किसी केस को सॉल्व करने के लिए क्लूज़ पकड़ता है वो संकेतों को पकड़ता है ऐसे ही इन लोगों ये भी एक तरह के जासूस हैं कौन आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन जो है ये भी एक तरह के डिडक्टिवस हैं ये एक तरह के जासूस हैं जो कि इन एविडेंस को जो कि इन सोर्सेज को क्लूज़ की तरह यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट पता लगाने के लिए अबाउट आवर पास्ट हमारे पास्ट को तो अभी हमने जाना कि पास्ट का पता किन किन चीज़ों से लगता है तो हमने देखा पढ़ा कि किन किन चीज़ों सोर्स कहते हैं जहां से पास्ट के बारे में पता लगता है और ये पता लगाने वाले लोग कौन होते हैं तो ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं और ये हिस्टोरियन होते हैं ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी लेट अस नो अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट वन पास्ट और मैनी एक पास्ट होता है या कई सारे पास्ट होते हैं एक इतिहास होता है या कई इतिहास होते हैं डिड यू नोटिस क्या आपने नोटिस किया किया था द टाइटल ऑफ दिस बुक इस बुक का जो टाइटल है क्या आपने उसको नोटिस किया था आवर पास्ट हमारा अतीत ये इस बुक का टाइटल था लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए आवर पास्ट यहां पीछे एस बी लगा है ये प्लूरल में लिखा हुआ है हमारे हमारे अतीत हमारा अतीत नहीं है पास्ट नहीं ओनली पी एस टी पास अतीत यहाँ एस भी इससे ऐड होया हुआ है यहाँ पर लिखा है यानी हमारे अतीत एक से ज्यादा अतीत अवर पास्ट वी हैव द वर्ड है हमने इस पास्ट यानी प्लुरल वाले पास्ट का यूज किया है इन प्लूरल बहुवचन में टू ड्रॉ अटेंशन ध्यान आकर्षित करने के लिए द फैक्ट इस विषय पर दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट की पास्ट जो था वो अलग था फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल अलग अलग जो लोगों के ग्रुप्स होते थे समूह होते थे उन सबके लिए पास्ट अलग अलग होता था हरेक का अपना अपना अतीत होता था हरेक का अपना अपना डिफरेंट पास्ट होता था फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द लाइव लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स जो जिंदगी होती थी हर्डर्स यानी चरवाहों की जो रेवड़ चला चराने वाले होते हैं हर्डर्स हर्ड herd यानी रेवड़ होता है जो हर्डर्स यानी कि चरवाहों की और फार्मर्स या किसानों का जो जीवन होता था वर डिफरेंट वो डिफरेंट होता था फ्रॉम दोज उन लोगों से ऑफ किंग्स एंड क्वीन्स राजाओं और रानियों के जीवन से वो अलग होता था उनका जीवन निश्चित रूप से अलग होता था द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स जो व्यापारियों का जीवन था वर डिफरेंट वो अलग था फ्रॉम लोगों से of craft, craft person, जो हस्त हाथ की कलाकारी करने वाले लोग होते थे क्राफ्ट पर्सन उनका जीवन मर्चेंट से अलग होता था व्यापारियों से अलग होता था एंड सो ऑन और इसी तरह सबका अलग अलग होता था आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे आज भी वैसे ही है आज भी सबका जीवन अलग अलग होता है राजाओं का अलग जीवन है मर्चेंट्स का अलग जीवन है जो हर्डर्स किसानों का अलग जीवन है तो आज भी वैसा ही है पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसज लोग अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं यानी अलग अलग जीवन को जीते अलग अलग स्टाइल का जीवन जीते हैं एंड कस्टम्स और कई पर अलग अलग परंपराओं को निर्वाह करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कंट्री यानी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग, अलग अलग प्रकार के जो अ, अलग, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस करते हैं यानी अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग प्रैक्टिस का मतलब उनका व्यवहार वो जो जो जिस तरह से वो जीते हैं उनकी जीवन शैली वो अलग अलग है और उन कई कस्टम्स जो परंपराएं होती है वो भी अलग अलग है देश के अलग अलग हिस्सों में फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइसलैंड आज भी ज़्यादातर लोग जो रहते हैं अंडमान आइसलैंड यानी द्वीप पर अपने भारत का ही अंग है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो अंडमान जो आइसलैंड है भारत का आइसलैंड वो होता है जिसके चारों ओर पानी भरा रहता है तो अंडमान जो आइसलैंड है वहाँ पर आज भी अधिकतर जो लोग रहते हैं गेट देयर ओवन फूड वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं बाय फिशिंग मछली पकड़ करके हंटिंग यानी शिकार करके एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जंगल की जो उत्पादन है उनको कलेक्ट करके जंगली चीजों को इकट्ठा करके इस तरह से वो अपना जीवन जीते हैं अपना भोजन इकट्ठा करते हैं आज भी बाई कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज ज़्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं डिपेंड्स डिपेंड ऑन अदर्स वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादातर दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फॉर सप्लाई जो फूड भोजन की सप्लाई के लिए डिफरेंसेज सच एज दीज एक् एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल इसी तरह का कुछ डिफरेंस उपस्थित था इतिहास में भी आज की तरह आज ये जिस तरह से दो अलग अलग टाइप के लोग जीवन जीते हैं आइसलैंड पर जीने वाले कैसे भोजन इकट्ठा कर रहे हैं और शहर में रहने वाले दूसरों पर डिपेंड है इसी तरह का डिफरेंस उस समय भी एग्जिस्ट था उस समय भी स्थित था पास्ट में भी इ, इसी तरह का डिफरेंस पास्ट में भी एग्जिस्ट था यानी कि उपस्थित था बिसाइड्स इसके साथ ही देयर इज अनोदर काइंड ऑफ डिफरेंस एक दूसरे प्रकार का भी डिफरेंस है वी नो हम जानते हैं ए ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड बैटल्स बहुत सारी बातें राजाओं और उनके युद्धों के बारे में दे फॉट जो उन्होंने लड़े बिकॉज क्योंकि दे कैप्ट रिकॉर्ड्स क्योंकि वो रिकॉर्ड्स रखते थे अपने युद्धों का जगह जगह खुदवा देते थे उनकी बातें या वो उनके प्रमाण रिकॉर्ड रखते थे तो ये हम उनके बारे में खूब जानते हैं जो राजा लोग थे उनके युद्धों के बारे में खूब जानते हैं दे फॉट वो जो उन्होंने लड़े बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स क्योंकि वो रिकॉर्ड रखते थे ऑफ देयर विक्ट्रीज उनके विजयों जीत की उनकी जो जीत जीत हासिल वो करते थे विक्ट्रीज जो मिलती थी उनको उसकी वो रिकॉर्ड रखते थे जनरली सामान्यतया ऑर्डनरी पीपल सच एज हंटर्स जो सामान्यतया जो दूसरे लोग होते थे राजाओं के अलावा ऑर्डनरी पीपल यानि सामान्य लोग जो होते थे सच एज जैसे कि हंटर्स यानी शिकारी फिशिंग फॉक यानि मछली पकड़ने वाले गैदरर्स यानि चीज़ें इकट्ठी करने वाले फार्मर्स यानि किसान और हर्डर्स यानी चरवाहे ये जो जनरल पीपल होते ऑर्डनरी पीपल होते थे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ये अपने रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे ऑफ वाट दे डिड कि उन्होंने क्या किया इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं होता था वाइल आर्क्योलॉजी हेल्प जबकि आर्क्योलॉजी हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट पता लगाने में अबाउट देअर लाइव उनकी जीवन के बारे में भी जबकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था वो अपने जीवन के, की जो बातें हैं वो कहीं वो लिखते नहीं थे कहीं खुदवाते नहीं थे लेकिन आर्कियोलॉजी उनके जीवन के बारे में भी हमें बताती है देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन लेकिन अभी भी अन यानी बिना जाना हुआ बहुत सारा उपस्थित है रिमेन्स यानी रहता है अनन यानी बिना जाना हुआ मच देर इज मच बहुत सारा है बहुत सारी बातें लेकिन फिर भी अभी ऐसी है जो कि अननोन है जिनके बारे में हम जानते नहीं ज्यादा जानते नहीं है ऐसी भी बहुत सारी बातें अभी भी है जिनको हम जानते नहीं हैं एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू रीड द लास्ट पैराग्राफ बिकॉज द टाइम इज गोइंग टू ओवर वॉट डू डेट्स मीन डेट्स का क्या मतलब होता है तारीख का क्या मतलब होता है इफ समी आस्क आस्क यू द डेट अगर कोई तुम्हें डेट पूछता है यू विल प्रोबेबली मैंशन द डे मंथ एंड ईयर अगर कोई तुम्हें डेट पूछता है तो तुम प्रॉबेबली सम्भव लगभग क्या बताओगे तुम डे मंथ और ईयर बताओगे कि दिन कौन सा है मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है टू थाउजेंड एंड सम दो हजार जैसे अभी दो हजार बीस चल रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी चल रहा है तो आप Uh, 2000 या और कुछ जो भी साल चल रहा है वो बताएंगे आप दीज इयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट ये जो ये इयर्स जो आप बता रहे हो जैसे 2020 आप बता रहे हो 2020 आप इयर्स बता रहे हो ये कौन क्या है ये 2020 क्या है दीज इयर्स आर काउंटेड ये जो 2020 साल हैं इनको काउंट किया गया है इनको गिना गया है फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जनरली जीसस क्राइस्ट जो हुए थे ईसाइयों के जो महापुरुष हुए थे महात्मा ईसा जिसको जीसस क्राइस्ट कहते हैं उनके जन्म के समय से ये साल गिने गए हैं उंटेड ये ईयर्स ये साल गिने गए हैं फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट की बर्थ से उनके जन्मदिन से इन सालों को गिना गया है द फेमस द फाउंडर ऑफ क्रिस्ट क्रिस्टेनिटी वो कौन थे जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियनिटी यानी इसाइत के फाउंडर थे उसको स्थापित करने वाले उसको शुरू करने वाले थे उसके संस्थापक थे ईसाई धर्म को इस क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे वो यानी ईसाइत के संस्थापक थे ईसाई ईसाई जो धर्म है उसको शुरू करने वाले जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से ये साल गिने हुए हैं यानी अगर आप 2020 बता रहे हैं तो उ, उनके जन्म को 2020 वर्ष हो चुके हैं उनके जन्म से काउंटिंग शुरू हुई करी हुई है ये जो अभी आप बता रहे हैं वो उनके बर्थ से स्टार्ट की गई है ये काउंटिंग सो so, इसलिए 2000 थाउजेंड मीन्स टू थाउजेंड ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इसलिए दो हजार का मतलब है कि दो हजार वर्ष बर्थ आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म के दो हजार साल बाद अगर आप 2020 बोलते हैं तो ईसा मसीह के जन्म के 2020 साल के बाद का ये साल है ऐसा उससे ये मेंशन उससे होता है ये उससे शो होता है ऑल डेट्स बिफोर द क्राइस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स और वो ईसा मसीह के जन्म के पहले के जो साल थे उनके जन्म के भी जो पहले के साल थे वो बैक उनको पीछे का काल माना जाता है आर काउंटेड बैकवर्ड्स, उनको पीछे गिना जाता है। जैसे अभी 2020 तो आगे के उनके जन्म के आगे 2020 साल हो गए मतलब। और उनके जन्म के पीछे का जो टाइम था उसको कैसे कहते हैं तो उसको उससे पीछे का उनके जन्म से पीछे उनको गिना जाता है लेट्स रीड अगेन ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो भी डेट्स उनकी क्राइस्ट यानी ईसा मसीह से पहले की है आर काउंटेड बैकवर्ड्स उनको पीछे गिना जाता है एंड यूजली हैव द लेटर्स बी सी और सामान्यतया इसके लिए बीसी लिखा जाता है जब कोई ईसा के जन्म से पहले की घटना हो या पहले का टाइम हो उसको अगर लिखना है तो उसके लिए बीसी लिखा जाता है बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट बी का मतलब बिफोर सी का मतलब क्राइस्ट यानी ईसा से पहले अगर कोई लिखता है बी सी तो इसका मतलब ईसा से नौ साल पहले तो बीसी जहां भी लिखा हुआ होगा इसका मतलब है बिफोर क्राइस्ट एडेड ऑन ये ऐड कर दिया जाता है उसमें बी ऐड कर दिया जाता है अगर उस पहले ईसा के जन्म से पहले का कोई टाइम पीरियड को मेंशन करना हो तो उसमें बीसी ऐड कर देते हैं इन दिस बुक इस बुक में वी विल रेफर हम रेफर करेंगे हम संदर्भित करेंगे टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रजेंट इस बुक में हम आज से पीछे का डेट प्रजे आज से पीछे की जो डेट है उसको प्रजेंट करेंगे यूजिंग 2000 थाउजेंड एज अवर प्रजे स्टार्टिंग पॉइंट आज का जो साल साल है हम ईसा से पहले का नहीं कहेंगे इस बुक में जहाँ से जहाँ भी आएगा ना इतने साल पहले मतलब वो आज से इतने साल पहले की बात होगी वो ईसा से उतने साल पहले की बात नहीं होगी वो बीसी की बात नहीं होगी वो आज स्टार्टिंग पॉइंट आज माना जाएगा उसका अगर हम इस बुक में जो भी बातें पढ़ेंगे भाई इतने साल पहले ऐसा हुआ तो वो आज से उतने साल पहले हुआ ऐसा हम रेफर करेंगे ओके स्टूडेंट्स वी हैव रीड इन दिस वीडियो टुडे अप टू लेसन अप टू पेज नंबर सेवन एंड वी विल read the rest of the lesson in next video on next turn till that see you bye